गाइस, ये है मॉल रोड शिमला और ये है अग्निशमन केंद्र। और यहाँ पर हुआ है जो कल हादसा हुआ है, कोई बोरा कंप्रेसर फटा है, कोई बोरा सिलेंडर फटा है, लेकिन जो सिलेंडर थे वो बिल्कुल ठीक थे। और ये जो वाइल्ड ग्राफ और मडामे की बैक साइड है, इसके नीचे वहाँ पे हिमाचल कैफे था, वहाँ पे विस्फोट हुआ है। यहाँ पे जो है ये सारा जो है बंद कर दिया गया हुआ है, क्योंकि तफ्तीश चली हुई है, पुलिस टीम भी यहाँ पे आई हुई है और फ्रेंसिंग की जांच भी चली हुई है इसकी। तो ये जो विस्फोट हुआ ये इतने ज़ोर से था कि इसने यहाँ की आसपास की 7-8 दुकानों के शीशे तक तोड़ दिए। टंगरी ज्वेलर जो है ये आप देख रहे हैं, इसके भी जो शीशे हैं वो टूट गए हैं धमाके से। और ये जो आप बिल्डिंग दिख रहे हैं जिसमें आपको खिड़की सी दिख रही है लकड़ी की, ये अपनी जगह से टिल्ट हो गई है, इतनी ज़ोर का धमाका हुआ। और इस हादसे में जो ये जो विस्फोट हुआ, इस हादसे में जो है वो एक जो लोकल दुकानदार थे जो उनकी जो है वो जान जा चुकी है और कई लोग इसमें गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ये जो धमाका था ये इतना इम्पैक्टफुल था कि मैं आपको इस टंगरी ज्वेलर की वीडियो भी दिखाऊंगा, सीसीटीवी फुटेज की, कि पूरा हिल गया। तो आइए चलें, सबसे पहले देखते हैं सीसीटीवी फुटेज टंगरी ज्वेलर की, जो कि बिल्कुल सामने था हिमाचल रसोई के, जहाँ पर जो है ये विस्फोट हुआ। ये जो वीडियो फुटेज है ये है टंगड़ी ज्वेलर की। अब आप देखिए कि इम्पैक्ट कितना ज़्यादा था बॉम्ब का, ये जो बॉम्ब नहीं सॉरी जो धमाका हुआ, ये देखिए आप इम्पैक्ट, सब कुछ हिल गया। अब क्या एक सिलेंडर जो है वो इतना धमाका कर सकता है? क्या अगर वो गैस इकट्ठी हुई थी कि तो क्या वो इतना धमाका कर सकती है सामने? तो आप इसके बारे में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब जो ये आप ये मडामे का शोरूम देख रहे हैं, जो हिमाचल रसोई थी वो बिल्कुल इसके नीचे थी, इसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि जो मडामे का जो फ्लोर था वो उखड़ गया। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है वाइल्ड क्राफ्ट और मडामे में। तो क्या जो है वो गैस इतना इम्पैक्ट कर सकती है कि आसपास की 7-8 दुकानों में इतना ज़्यादा नुकसान हो जाए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएँ कि क्या रीज़न हो सकता है। वैसे अभी तफ्तीश जो है वो चली हुई है।